इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली अध्यादेश बिल सोमवार को पेश किया जाएगा, संसद गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली अध्यादेश बिल। ये बड़ी खबर, सोमवार को लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा दिल्ली अध्यादेश बिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली अध्यादेश बिल सोमवार को पेश किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, संसद में गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। तो संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश किया जाएगा सोमवार को, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से इस बिल को लोकसभा में किया जाएगा पेश। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। खबर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है, स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लाने की अनुमति दे दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्हें विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव मिला है। स्पीकर ने कहा कि वो इस प्रस्ताव पर सभी दलों से बातचीत के बाद चर्चा की तारीख पर फैसला लेंगे। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूँ, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष चाहे जो भी कर ले, देश की जनता को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। और वही विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बड़ा हमला बोला है। आपको दिखाते हैं दोनों नेताओं के बयान। जिस विषय को लेकर सदन में मूव किया है उसके बारे में स्पीकर ने संज्ञान में लेकर सूचित किया है सदन को कि उपयुक्त समय पर नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी, तो सदन उस पर आगे स्पीकर के आदेशानुसार कार्रवाई। सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि बहस के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। मणिपुर पर चर्चा होगी तो फिर पश्चिम बंगाल भी आएगा, मणिपुर पर चर्चा होगी तो राजस्थान भी आएगा, मणिपुर चर्चा होगी तो अन्य राज्य आएंगे, इसीलिए विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, भाग रहा है सदन से।